हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चुटकी छोड़ देनी। होप सो आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सुरक्षित होगे। एंड आप सब कैसे हो ये मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताया करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कैसे हो। बट मैं तो विश हमेशा ये करती भगवान से कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं और जितने अनव्यूअर्स भी हैं, सबको ढेर सारा भगवान प्यार देते रहे, आशीर्वाद देते रहे और सबको खुश रखे। तो वेलकम टू आवर चैनल। और देखिए इस टाइम मौसम अरुणाचल का कैसा हुआ है। तो दोस्तों नोनू जा चुके हैं ऑफिस और आज बहुत दिन बाद, मुझे लग रहा है जब से मैं आई हूँ तब से, अब जाके थोड़ी सी धूप निकली है। तो क्या कहते हैं, यहाँ सारे जितने कपड़े थे इधर मैंने धुल दिए। बाहर बालकनी आप लोग देखते ही होंगे, मेरे बाहर वाली बालकनी हमेशा कपड़े से भरा रहता है। वॉश बेसिन इधर का मुझे साफ़ करना है क्योंकि मुझे लगता है ये जो मेरा एसी का ये जो है ना इन्वर्टर, मुझे लगता है इन्वर्टर के पीछे ना जो चिड़िया लोग घोंसले बनाए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि ये देखो घोंसले का अब जो नहीं होता है वो क्रिंज टाइप का, वो सब गिरा हुआ है। और यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ बथुआ, धूप है तो आराम से धूप पे बैठे बैठे बथुआ काटूँगी। घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, नाश्ता वाश्ता घर के पति भी जा चुके हैं ऑफिस। एंड धूप तो है बट थोड़ा हवा भी चल रहा है देखिए, बट अच्छा लग रहा है कि काफ़ी दिन बाद अरुणाचल में धूप निकला तो अच्छा लग रहा है। पर यहाँ के मौसम का कोई वो नहीं है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कैसा कोई गारंटी नहीं। वो देखिए पीछे आप लोग वो देख रहे हैं काला बादल, देखिए उधर तो एक खतरनाक काला बादल आ रहा है। देखिए धूप चला गया, देखिए आप लोग के सामने देखिए ऐसा मौसम चेंज हुआ। देखिए धूप चला गया मेरे मुँह से और अब लग रहा है कि होगी बारिश, आधे घंटे बाद बारिश हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा, देखिए धूप आ गया, यहाँ का मौसम ही ऐसा है, कभी बहुत तेज धूप निकला रहता है और रैंडमली खूब जोर से होने लगता है बारिश। मैंने आज शैम्पू भी कर लिया था क्योंकि क्या कहते हैं कि फ्राइडे था, तो मैंने शैम्पू भी कर लिया है और बस यही सब चल रहा है। मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा ब्लॉग में ऐड कर लेती हूँ। तो क्या कहते हैं, सिर्फ अकेले हम और एंडी हैं घर पर, तो मैंने सोचा है रात में कुछ थोड़ा सा कैंडल लाइट डिनर प्लान करूँगी हम दोनों के लिए, क्योंकि बहुत ऐसा रेयर टाइम मिलता है कि हम दोनों घर पे अकेले रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा कि लाओ कैंडल लाइट डिनर का प्लान करते हैं आज घर पे ही, क्योंकि बाहर जाने का टाइम तो उतना मिल नहीं पाता है, बहुत इनको मुश्किल होता है टाइम का। और मैं समझती हूँ उस प्रॉब्लम क्योंकि कि मैं देखती हूँ एक्चुअली, मैं घर पर भी आके लैपटॉप निकाल के इनका वर्क चलता रहता है। तो बस चलिए, तो इसी के साथ मैं जा रही हूँ बथुआ काटने धूप में बैठे बैठे। और यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ ऑरेंज, धूप में रखी हूँ, अगर मौसम ठीक रहा तो खाऊंगी वरना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे खाने से फिर ओमने भी ठंडी लग जाएगा। देखती हूँ अगर ऐसी धूप थोड़ा बना रहा, ये गंदा हवा अगर नहीं चला तो फिर खाऊंगी। और यहाँ से फ़ायदा ये होता है इस बालकनी बैठने का कि वहाँ से वो देखिए मैं मेरा टीवी भी देखती रहती हूँ आराम से। यहाँ पर बथुआ काटती हूँ, टीवी देखती हूँ, धूप भी हो जाता है। देखिए 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 काला बादल आ रहा है, दिख रहा है, देख रहे देख रहे आप लोग, देखिए काला बादल आ रहा है। तो चलिए आप सब, यहाँ पे ओमने भी चला रही है अपनी डस्टर छोटी वाली और यहाँ पे क्या कहते हैं सारे कपड़े, आने के बाद इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, एनडी के भी कपड़े थे और हम लोगों के भी कपड़े ट्रैवलिंग वाले थे, तो ये देखिए सारे कपड़े थे, रूम के बेडशीट्स थे। बाबू फिर आप पापा के फाइल के पास आए, वहाँ से हटिए, पापा के फाइल्स के पास क्या हटिए, अच्छा तो सब समझती हैं, एकदम शांत जाती है जब मौका ना इस साइड आइए। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को मैं बैठे बैठे दिखा देती हूँ कि मुझे कौन क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ सारे पूरे टेबल पे वही सारी चीज़ें हैं। ये तो स्वीट्स बॉक्सेस हैं बहुत सारे, इसको मैं ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ बैठ पर बैठ के आप लोगों को, चलिए चलिए चलिए। तो वो ये स्वीट्स बॉक्सेस थे, इसी तरीके से तीन चार स्वीट्स बॉक्सेस थे, ये जो बड़ा वाला था उसमें भी बहुत सारे स्वीट्स थे। कुछ स्वीट्स तो मतलब मैं पड़ोसन को भी मैंने ना पड़ोसन को दिया, मैंने थोड़ा ऊपर उधर डिस्ट्रीब्यूट कराया, थोड़ा उधर एनडी के ऑफिस में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ऐसा था। क्योंकि बाबू दो मिनट मत बजाना प्लीज़, हो गई तो मत बेटा, बहुत ज़्यादा खींच 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 हो गया है। तो मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ, इतनी ज़्यादा साड़ी मैं बैक कैमरे से दिखाऊँगा, चलिए बैक कैमरे कुछ देर मत बजाओ प्लीज़, थोड़ी देर मत बजाओ बाबू प्लीज़, 5 मिनट्स बस। तो साड़ियाँ बहुत सारी है दोस्तों, पर मैं अनपैक्ड करके नहीं दिखा रही हूँ, रीज़न ये है क्योंकि फिर मुझे अकेले ही सारा पैक्ड करना पड़ेगा। और कुछ साड़ियाँ थी जो बुआ के घर से आई थी, कुछ नेबर्स लोगों ने दी थी, कुछ मासी लोगों ने, क्योंकि सब लोग के सब लोग को ऐसा था ना कि मतलब घर पर गए थे करके, तो इसलिए सब लोगों ने साड़ियाँ दे दी। फिर माँ डैडी के लिए भी ड्रेस आया था
और एंडी के लिए भी ड्रेस आया था, तो बहुत सारे कपड़े थे। मैंने ज़्यादा अनपैक्ड करके आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि फिर मुझे वापस से समेट के रखना पड़ता है। ये देखिए ओम रवि का कोट पैंट है जो वहाँ पे पापा ने ख़रीदा था उसके लिए। और क्या कहते हैं कि साड़ियाँ तो थी, साथ में गाँव पर भी इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी कि इसलिए सब एक साथ दिखाना थोड़ा सा मेरे लिए हैक्टिकिंग हो जाएगा। और ये देखिए ओम रवि को भी कपड़ा मिला था, और ये वाली साड़ी है जो एंडी छठ में मेरे लिए आंटी जी के और मम्मा के लाए थे, तो उसका ही मैंने ब्लाउज गोरखपुर में ले आके सिलवा दिया है कि कभी कुछ फंक्शन पड़ेगा तो मैं उसको करूँगी। गांव में जो कपड़े खरीदे उसको मैं ऊपर ऊपर से दिखा दे रही हूँ, पर हाँ मैं आप लोग से प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी किसी भी फंक्शन में पहनूंगी तो सारा आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। उसके लिए सो 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 सॉरी फ्रेंड्स। पूरा समझो एक एक्स्ट्रा वैगन में लेके आए थे गाँव से गोरखपुर से, इतना सारा कपड़ा वपड़ा मिल गया है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ आप लोग को, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सब मैं रखती हुई रखती ही रहती, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा बैग लेके सब उसमें लेके आई हूँ। एक ये मिला है बुआ के घर से स्वीट बॉक्सेस के अलावा, और इस स्वीट बॉक्सेस में क्या है ये मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। एक ये मिला है ऐसा पूरे चिप्स विप्स ऐसे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक इसके अंदर है ना। ऑफिस से आ चुके हैं एंडी, और ये देखिए मैंने क्या किया है, कहें हाथ धुल लें अपना हाथ पैर धुल लें खाना खाने के लिए, तो मैंने उनके लिए कैंडल नाइट डिनर रेडी किया है। अंधेरा हो गया, कैंडल नाइट डिनर। तो ये देखिए यहाँ पे बैठेंगे पति, यहाँ पे बैठूंगी मैं, इसका कैप है, और ये हमारा कैंडल नाइट डिनर हो जाएगा। यहाँ पे डिनर में आज पति का फेवरेट मटन वेपर निकल रहा है, गर्म कर रही हूँ।